आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So question is, oblique septa in rhizoids are characteristic of option 1 liverworts, option 2 hornworts, option 3 mosses and option 4 ferns. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि rhizoids में जो oblique septa present होते हैं वो इनमें से किस में होता है। तो अगर हम देखें सबसे पहले liverworts में, तो liverworts में जो rhizoids present होते हैं ये unicellular होते हैं, तो इनमें जो septation है that is septa वो absent है। Whereas hornworts में भी जो rhizoids हैं उनमें septation नहीं होती है, septa absent होते हैं इनमें भी। Whereas अगर हम mosses की बात करें तो इसमें जो rhizoids हैं, in case मैं ऐसे draw करूं, तो ये जो rhizoids होते हैं इस केस में इनमें septation होती है, they are multicellular, so this is called septation and ये है oblique septa। So, ये है septa, तो इसलिए mosses में ये present होता है। Then अगर हम ferns की बात करें तो उसमें rhizoids नहीं, उनको true roots बोलते हैं, इसलिए वाला option भी wrong है। तो देखा जाए तो liverworts wrong है because उसमें भी rhizoids में septation नहीं होती है। Hornworts वाला option भी wrong है, तो correct option क्या है? Option 3 का, जिसमें कि mosses हैं। तो इसका मतलब oblique septa present होता है इन द राइजोइड्स ऑफ mosses। सो आंसर इज ऑप्शन 3। क्लासिक्स से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल का 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।